कितना एक डॉक्यूमेंट पे लेते हो? क्या लेते ही हो ना यार, क्या मेरे को क्या बच्चा हो क्या? मतलब 2000 भी गिनो तो कितना आएगा, 30 का 60,000, महीने का 18 लाख, साल का 2.5 करोड़, और 2.5 करोड़ नगर पालिका का नुकसान, तुम्हारा काम चालू। ये बोलेंगे नहीं मैं। अरे इधर पता करो, बाहर लोग बैठे किसका फुकड़ में काम करते हैं, बताए ना। ये आज के बाद मालूम पड़ा ना, किसी से 5 पैसा लिया, मैं एक आदमी भेजूंगा वही देगा और फिर काम पे लगा दूंगा। बताओ पगार कितना आपका? इनका पगार 50,000 रुपया है, और खुद ने ना 1,00,000 रुपये सैलरी के आदमी लोग रखे हुए, कहाँ से आता है पैसा? तुम्हें गवर्नमेंट पेरोल वाला है? कौन से पेरोल पे हो? कॉन्ट्रैक्ट वाला का? ये कौन सा स्टाफ है? ये स्टाफ कौन सा? ये पहले इधर बात करो, गवर्नमेंट का है क्या? इनके पास इतना गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट दिया, कल कुछ हुआ तो जवाबदार कौन? ये काम पे हमारा लेना नहीं देना नहीं, अंदर किसे आए? फिर तो मैं भी इधर बैठता हूँ। एक आदमी अगर कल से दिखा ना जो गवर्नमेंट ने नहीं रखा है, इनके यहाँ पे 25,000 रुपया पगार के, कितना लेते? कितनी पगार है तुम्हारा? हम मान के चलते 25,000 भी हो गए। जितने लोग है प्राइवेट है ना, गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट पर रखा है, इन्होंने अपनी सुविधा के आदमी रखा है, इनका पगार 50,000 है और ये खुद दूसरे को 1.5 लाख पगार दे रहे, कहाँ से आ रहे? कौन है सर? राजा हरिश्चंद्र है? तुम्हारा हाथ लाता है ना कंप्यूटर ला, फोटो लो इनका, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनका लेना देना। कैसे हाथ लगा सकते हैं गवर्नमेंट की चीज को? प्राइवेट आदमी कैसे लगा सकता है? सगला खाली करा आता तो आता, ना तर मी गुन्हा दाखल केला इधर से जाऊंगा नहीं। नाव काय तुमचं? हा तुम्ही कसं? अरे घर थांबा, पेला कॉम्प्युटरला हात कसं लावला? मी कॉन्ट्रॅक्ट, तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट थांबा तुम्ही। रुकिए भारवत जी, पहले आपका नाम बोलिए। इनके ऊपर आप गुना, एक मिनट, आप इन पे गुना दाखिल करेंगे? आप इन पे गुना दाखिल? पारिक जी मैं क्या बोल रहा, किसी प्राइवेट आदमी को गवर्नमेंट के कंप्यूटर पे एंट्री लगाना, हाथ लगाना अलाउ है क्या? अभी आप इस पे गुना दाखिल करेंगे कि नहीं करेंगे? एक और समस्या आ रही है, अभी हर सोसाइटी सर, ये पेरोल पे भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पे भी नहीं है सर, हर सोसाइटी पगार कैसे मिलता हूँ? मुझे अकाउंट में दिए तो कैश मिलता, और कौन देता तुम्हारा? कौन दे सर? रोकड़ा देता, चेक नहीं, कैश। कितनी देता? हाँ 14,000। इनको 14,000 पगार आप कहाँ से देते हो? अभी ये इनको पगार कौन देता है? अरे वो मजबूर है, इनको बोलो साहब बसर का टोशन का बंद करने आ रहा है, आयत तसा काय तरतूद आहे का, जीआर आहे का, असा तुम्ही खाजगी माणूस ठेवून इथे काम करू शकता असा काय जीआर आहे का? तुम्हाला अधिकार आहे का? सांगा सांगा, असे किती लोकांना तुम्ही ठेवलेले इथे? लोकांना त्रास होतो, ऐसा कितना स्टाफ है? लोकांचा होत नाही, ऐसा तुम्ही खाजगी माणूस ठेवता? ऐसा एक नाही 12-15 स्टाफ है। कितना है? कितना है? ऑफिशियली नहीं, ये अनऑफिशियली, जिसको पगार आप कैश देते हो। उन्होंने क्या बोला सर? सर आपके बाजू में बिठा के एक गैर आदमी को आप किस तरीके से बिठा के कंप्यूटर का एक्सेस दे सकते हैं गवर्नमेंट के? वो भी गवर्नमेंट कंप्यूटर है, आपका भी पर्सनल नहीं है, और आप अपने बाजू में बिठा के इस तरीके से काम करवा रहे हैं, किस आधार पर बताइए? आपने आपके वरिष्ठों से इसकी कोई परमिशन ली है सर? आप पहला जवाब दो, वो लेडी ने बोला पगार हम देते हैं आप, अगर आपको लगता है आप जो बोलेंगे नहीं देते ना, आप नहीं देते ना, कोई बात नहीं, तो इनके ऊपर अभी आप क्या कार्रवाई करेंगे जिसने आपके कंप्यूटर को हाथ लगाया? आप गुना दाखिल करेंगे क्या? आप गुना दाखिल करेंगे क्या? पारिक जी जो लोग को आपने काम पे रखा है, या तो आप उसको पगार दे दो, किस आधार पर ये बताइए? अगर आपको लगता है आपने नहीं दिया है तो उसके ऊपर सरकारी कंप्यूटर को हाथ लगाओ, भी स्टैम्प जहाँ पे पैसे का लेती रहती है, कल 5 करोड़ का 50 लाख कर दिया, तो इसलिए उसके ऊपर आप गुना दाखिल करेंगे क्या? आपके कैबिन में कोई भी आएगा बैठेगा कंप्यूटर ऑपरेट करेगा चलेगा क्या? कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं है, तो आप बताइए ना उस लेडी का क्या संबंध इस कंप्यूटर से? पंद्रह साल अच्छा कब से कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है सर? पिछले वालों ने किया गलती, आप भी उसको कंटिन्यू करोगे? कॉन्ट्रैक्ट पे थी वो सर, अभी कभी से कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, कभी से नहीं है,
बीच में मतलब क्या 2000 से नहीं है कि 2010 से नहीं है कि 15 से नहीं है कि 20 से नहीं, कब से नहीं है? मैं आया तब से तो नहीं, मतलब आप था, मतलब 2 साल से तो पक्की नहीं है, फिर 2 साल से इधर रोज क्यों आती है वो? आप पुलिस नहीं आती है सर, वो तो कोई बात नहीं है, आप पुलिस को एप्लीकेशन दे दीजिए, हम देख लेंगे उनका डम डेटा मोबाइल निकाल के रिकॉर्ड से कब आती है कब जाती है। और एक स्टाफ थोड़ी है, बहुत सारे स्टाफ है। इसका मतलब स्पष्ट है कि मिली जुली सरकार है, हर डॉक्यूमेंट पे इनका जो है 2000 रुपया, रोज के 30 डॉक्यूमेंट करते, महीने का 18-20 लाख रुपया ये खाली डॉक्यूमेंट का हुआ, इसके अलावा दूसरा करते, साल का 2-2.5 करोड़ रुपया तो ये घर पे लेके आते, और प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, उसके कारण रेवेन्यू यहाँ आता नहीं है। और उसका रेवेन्यू का 1% जो है 60% में से 1% कॉरपोरेशन का है। आज कॉरपोरेशन का करोड़ों रुपये का लॉस हो रहा है, जब से ये आए तब से। मैंने इनसे कब से पूछ रहा हूँ कि जब से आप आए लेके अब से लेके पिछले 1.5 साल में आपने कितने डॉक्यूमेंट रजिस्टर किए, बताने को तैयार नहीं। और उसके पहले का इतिहास उठा के देखे तो कई सारे डॉक्यूमेंट हर रोज रजिस्ट्रेशन होते थे, अब यही डॉक्यूमेंट थाना में और नई मुंबई में रजिस्टर्ड होते, तो इनको लगता है कि फ्लैट 25-30 करना ये ज्यादा इनकम है, तो उसमें उस काम कर रहे, अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है, इनको जो नियम में करना पड़ेगा। हे तुमच्या ऑफिसला नावासकट सांगतो की ही लोक होती, तर तुम्हाला माझी विनंती आहे की त्या लोकांची तुम्ही पोलीस स्टेशनला तक्रार नोंद करा। तुमचं नसेल तिकडे व्हिडिओ कॅमेरा वगैरे आहे बाहेर, आहेत की नाही आहे मग तुम्ही ते बघून घ्या। तुमचा यायचा अगोदर आणि तुमचं जायपर्यंत ते सगळे इकडेच असतात, त्या काय मोबाईलमध्ये रेकॉर्डिंगमध्ये असणार। आता तू मेहरबानी करून ते डिलीट करू नका, नाहीतर आम्हाला स्पष्ट क्लिअर होईल की तुम्ही ते सगळं डिलीट केलं। पोलीस इन्क्वायरीमध्ये ते सगळं येणारच, रोज हा माणूस येतो, रोज जातो, कुठे येतो कुठे जातो, तर कॅमेरे डिलीट केले नवीन हां नाही, हा कॅमेरा कुठला आहे? हा तर लोकांसाठी आहे ना, हो तो नाही, या कॅबिनमध्ये जो येतो ते रेखायचे नाही, बाहेर कॅमेरा आहेत की नाही? कॅमेरा आप देख रहे फिर बोलेंगे कोई आहे नाही, तर ते कॅमेरामध्ये बघा की तुम्ही नसताना इकडे किती लोक रोज येतात, असं नाही की आज आला ना, बरोबर आहे? ते सगळे बेकार लोक आहेत, 365 दिवस कामानिमित्त येतात, बरोबर तुमचं, आणि 8 दिवस तुम्ही बसले असतात। अरे आमचंही हेच म्हणणं आहे, ते कामानिमित्तच येतात, मग त्या कामानिमित्त आपल्याला पगार कोण देतो? माझ्याकडे अरे तुझ्या कॅबिन असतात ठीक आहे, म्हणून मी काय बोललो, आम्ही बघा तिकडेही सांगितलंय हे डॉक्युमेंट चालू झाले पाहिजे। एक दुसरी गोष्ट, हे जे दुकान चालू आहे 2-2 हजार रुपये डॉक्युमेंट हे बंद झाला पाहिजे। दोन, तिसरं जे प्रायव्हेट लोक आहेत त्यांच्यावर FIR दाखल झाला पाहिजे। आमच्याकडे 100 प्रूफ आहेत की ते इकडे असतात आणि डॉक्युमेंटला हात लावतात, ते सगळं आमच्याकडे आहे, तर तुम्ही केलं तर विषय संपेल, आमचं म्हणणं थोडंच आहे, आणि हे सगळं आम्हाला माहीत आहे, ठीक आहे।